हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ केक की रेसिपी। मैं आपको उसमें बताऊंगी काफी इजी स्टेप्स में केक बनाना, और मैं उसे विदाउट एग और विदाउट ओवन बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एगलेस चॉकलेट केक बनाने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे लूंगी मैदा। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 कप मैदा। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप मैदा। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कोको पाउडर। तो मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड किया है। फिर मैं यहाँ पे लूंगी बेकिंग पाउडर 1.5 चम्मच। और फिर मैं यहाँ पे इसमें ऐड करूंगी 3/4 चम्मच बेकिंग सोडा, और उसमें मैं ऐड करूंगी 1 पिंच सॉल्ट। और इन सारी ही चीजों को हम अच्छे से छान लेंगे। और यहाँ पे मैंने अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लिया है। इनको हम कर देंगे एक अच्छा सा मिक्स। दूसरा बाउल लेंगे हम, इसको रख देंगे साइड। और यहाँ पे मैंने लिया है एक नेक्स्ट बाउल, उसके अंदर मैं डालूंगी यहाँ पे 2/3 कप मैं डाल रही हूँ यहाँ पे शुगर पाउडर। और इसी के अंदर मैं ऐड करूंगी 2/3 कप ही ऑयल। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कर्ड। तो कर्ड भी हम सेम मेजर इसी से ही ऐड करेंगे। 2/3 कप ही हम इसके अंदर कर्ड ऐड करेंगे। ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कर्ड। अब इन सारी ही चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक विस्कर की मदद से। और यहाँ पे देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए सारी ही चीज़ें। अब हम इसे करेंगे साइड और हम दोनों ही चीज़ों को एक साथ मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स वाले बोल में हम धीरे धीरे करके इस बैटर को डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरी सारी ही चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। लेकिन अभी हम इसके अंदर डालेंगे गरम दूध। गरम यानी वार्म दूध हम इसके अंदर डालेंगे इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक करने के लिए। अभी ये काफ़ी गाढ़ा दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी दूध। धीरे धीरे आप दूध को ऐड करें, जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें उतने तक ही आपको दूध ऐड करना है। बाकी अगर आपकी क्वांटिटी मैदे की ज़्यादा है तो आप ज़्यादा दूध जैसा उस टाइम ऐड करना दिखे तो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने दूध को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब देखिए कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है मेरे लिए। यहाँ पे मुझे लगभग 2/3 कप ही दूध लगा है, जितना मुझे शुगर कर्ड और ऑयल में लगा था सेम उतना ही मुझे यहाँ पे दूध लगा है। तो आप दूध एडजस्ट कर सकते हो परफेक्ट कंसिस्टेंसी के लिए। आप दूध एडजस्ट कर लें जैसा आपकी क्वान्टिटी है मैदे और इन सब की उसके हिसाब से। तो और इसको थोड़ा और चॉकलेटी बनाने के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ यहाँ पे हर्षी। इसको भी मैं इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी, इसका एक बढ़िया सा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा केक बैटर एकदम तैयार हो चुका है। इसको करेंगे हम साइड। यहाँ पे मैं लूंगी टीन जिसमें मुझे अपने केक को बेक करना है। तो इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। ऑयल या बटर आप कुछ भी ले सकते हो इसको ग्रीस करने के लिए, या घी जो आपको सही लगे। और इसको हम हर तरफ से ग्रीस कर लेंगे, साइड्स को भी करें क्योंकि यहाँ पे चिपक जाता है ज़्यादातर। और यहाँ पे मैंने अपने टीन को ग्रीस कर लिया है। उसके बाद हम इसमें डस्ट करेंगे थोड़ा सा मैदा। इस तरीके से आपको इसके हर कोने पे लगा लेना है ताकि केक बिल्कुल भी ना जले। अगर थोड़ा बहुत भी जलता है तो फिर ये जो मैदा होता है जिसे हम डस्टिंग करते हैं वो जलता है, हमारा केक नहीं जलता है। इसकी साइड्स पे भी। यहाँ पे हमारा केक टीन भी तैयार है और इसके अंदर अब हमने जो बैटर बनाया था उसको डालेंगे।
और अब हम इसे करेंगे थोड़ा सा टैप ताकि इसमें जो एयर बबल्स हैं नीचे वो बिल्कुल भी ना रहें। और यहाँ पे मैंने लिया है गैस पे एक बड़ा भगोना, बड़े भगोने के अंदर मैंने यहाँ पे स्टैंड के साथ 10 मिनट हुए हैं इसे, यहाँ पे मैंने डाला है सॉल्ट, ये जो रॉक सॉल्ट होता है वो वाला है स्टैंड लिया है। इसके अंदर रखूँगी मैं अपना टीन और इसको मैं कवर करूंगी एकदम, आपको लो फ्लेम पे रखना है दोस्तों, बिल्कुल भी मीडियम नहीं रखना है, जितना आपकी लो हो सके गैस उतना लो आपको रखना है 35 to 40 मिनट्स के लिए। और अगर आप ओवन में बना रहे हैं अपने केक को तो 180 डिग्री पे आप 35 to 40 मिनट्स ही रखें, आपका केक बनके तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे हमें 40 मिनट हो चुके हैं और हम अपने केक को चेक कर लेते हैं और ये देखिए मेरा केक एकदम तैयार है। और अब हम इसके जितने भी ये नाइफ की मदद से थोड़े कॉर्नर्स पे उसे ढीला कर लेंगे इसको, ताकि ये इजीली यहाँ पे निकल जाए। और मैंने यहाँ पे इसके सारे कॉर्नर्स हटा दिए हैं। अब हम लेंगे एक प्लेट, प्लेट को आप ऊपर रखें और इस तरीके से इसको उल्टा कर दें और थोड़ा सा टैप करें और ये देखिए, और ये देखिए हमारा केक कितना स्पॉन्जी बना है, एकदम परफेक्ट फूला हुआ है, ये देखिए अच्छे से बाउंस कर रहा है ऊपर की तरफ, यानी आपका केक अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, आप इसे अंदर से भी चेक कर सकते थे टूथपिक डाल के। और देखिए जो मैंने आपको डस्ट करवाया था मैदा की, हम मैदा डस्ट करेंगे जलेगा नहीं, उसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं जला और ईजिली यहाँ पर निकल के आ गया है। और अब मैंने ली है यहाँ पर 200 ग्राम कंपाउंड चॉकलेट, उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून मलाई। और अब हम इसे एकदम लो हीट पे इसे मेल्ट कर लेंगे क्रीम के साथ, आपको फ्लेम एकदम लो रखनी है दोस्तों, बिल्कुल भी मीडियम नहीं रखनी है, बिल्कुल कम से कम हो सके उतनी रखनी है। तो ये देखिए मैं इसको अच्छे से इसके साथ मेल्ट कर लूंगी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरी चॉकलेट पूरी मेल्ट हो चुकी है और ये हमारा चॉकलेट गनाश एकदम रेडी है, ये देखिए बिल्कुल भी इसके अंदर लम्स नहीं है, एकदम मेल्ट हो चुकी है पूरी। यहाँ मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको मैं ले चलूंगी अपने केक की तरफ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने ऊपर से जितना वो फूल के जो फट जाता है हमारा नॉर्मल केक, उसको मैंने थोड़ा सा कट करा है, बाकी मैंने इसी केक को 2 पार्ट में डिवाइड करा है, मैंने इसको सेंटर में से भी कट करा है, आपको दिख रहा होगा ये 2 मैंने अलग अलग कर लिए हैं पीस। अब इसके अंदर हम अपनी चॉकलेट स्प्रेड करेंगे, तो एक बार इसको अच्छे से दोबारा से घुमा लेंगे और इसको सेट करेंगे हम इसके अंदर। यहाँ पे मैंने इस पे अच्छे से अपने चॉकलेट को स्प्रेड कर लिया है, अब मैं इसी को इसके वाले भाग को इसके ऊपर सेट करूंगी और अब इसको ऊपर से भी हम चॉकलेट से कवर करके एकदम डेकोरेट कर लेंगे। और आप जैसे इसे चाहते हैं वैसे अपने केक को डेकोरेट कर सकते हो। और ये देखिए दोस्तों मेरा केक एकदम तैयार है, कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा केक। मैंने इसे चेरी, काजू और किटकैट की एक चॉकलेट के साथ गार्निश करा है, आप चाहो तो इसे आइसिंग शुगर, नट्स या जो भी आप चाहो उसके साथ इसे गार्निश कर सकते हो, चॉकलेट के साथ या वेफल्स के साथ। देखिए बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट जैसा केक, जितना मैं देखने में अच्छा है उतना ही खाने में डिलीशियस होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके आंखों के सामने बनाए बिल्कुल, इसमें एग भी नहीं है, एगलेस है। सबसे बड़ी बात यह है जो लोग एग वाला नहीं खा पाते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम होता है, तो ये एगलेस भी है और विदाउट ओवन मैंने आपको बड़े ही आसान तरीके से बनाना सिखाया है।